वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं जाने वाली मेरे हेयर कट लेने के लिए, तो मैंने सोची एक व्लॉग बना लेती हूँ मैं। तो पिछली बार जहाँ मैं गई थी विपुल भाई के पास, मतलब बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हो गए या मेरे भाई जैसे हो गए ऐसे बोल सकते हो आप, बहुत ही अच्छे हेयर कट दिए थे और हेयर कलर भी किए थे उन्होंने मेरा। अगर व्लॉग नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना एक बार व्लॉग। उन्होंने अभी नया सैलून भी खोला है उनका, हेयर क्राफ्ट स्टूडियो। सो वहाँ पे मैं जाने का सोच रही थी, बट मेरे घर से वो बहुत ज्यादा दूर है, तो इसलिए मैं इस बार सोची कि कोई पास वाले सैलून में जाके फटाफट हेयर कट ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे मॉम डैड बहुत जल्दी रहती है, उनको कहीं भी वेट नहीं करते। तो आप देख सकते हो कितना यहाँ से गैप दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि कैमरा है वैसा, बट है नहीं उतना क्योंकि यहाँ पे मेरे बहुत छोटे छोटे हेयर्स हैं, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है, बट वैसा बिल्कुल है नहीं। मैं ऐसे ही हेयर रखती हूँ इसलिए यहाँ से लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गैप हो गया। तो मेरे वॉल्यूम हेयर का बहुत कम हो चुका है। पिछली बार जहाँ मैं गई थी मैंने उनको बोली थी कि बहुत ही कम हेयर काटना और लेंथ ज़्यादा रखना आगे की, उस वजह से मेरे हेयर बहुत ज़्यादा रफ भी हो गए और कलर की वजह से ऑब्वियसली हेयर कलर की ट्रीटमेंट वैसी करनी पड़ती, बट मैं बहुत लीजी हूँ हेयर कलर की, उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रही थी। बट मैं जाने वाली हूँ वहाँ जहाँ मैं पिछली बार गई थी, बहुत ही अच्छा उन्होंने ट्रीटमेंट किया था, आई मीन हेयर कलर बहुत अच्छा किया था। सो मैं सोच रही हूँ और कुछ हेयर स्पा वगैरह करवाना हो तो मैं जाऊँगी, बट फिलहाल के लिए हेयर कट लेना है मुझे। सो मैं जा रही हूँ जावेद अबीब में और आपको ले चलूँगी मेरे साथ। अभी देखते हैं वहाँ जाते सर्विस कैसी मिलती है उनकी। सो अभी मेरे साथ आप रहोगे, देखोगे मेरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन वापस से, क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, इतने लंबे हो गए ना और यहाँ इतने रफ भी हो गए, मैं आपको क्या बताऊँ। पिछली बार मैंने बहुत कम हेयर कट करवाई थी और नॉर्मल था, उन्होंने कुछ अच्छा सा हेयर कट दिए थे बट उसे वॉल्यूम नहीं हुआ था क्योंकि मुझे वैसा चाहिए था, बट इस बार मैं सोची कि वापस मेरे पुराने हेयर कट पे आ जाती हूँ। सो देखते हैं अभी वो लोग की सर्विस कैसी है, लेट्स ट्राई इट। तो फिलहाल तो 2 बजने वाले हैं, बट मैंने 3 बजे के अपॉइंटमेंट ली हूँ, 3 बजे उससे पहले निकल जाऊँगी ताकि वेट ना करना पड़े। सो अभी जब मैं निकलूँगी तब आके बात करती हूँ आपसे। तो गाइस मैंने चेंज कर ली और रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैं आपको ले चलूँगी थोड़ी देर में, बस ऑटो रिक्शा आ रही है तो थोड़ी देर में हम लोग चलते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसमें मेरा वीडियो कैसे बनेगा, व्लॉग कैसे बनेगा, आई डोंट नो। ओह रिक्शा आ चुकी, अब मैं चलती हूँ।
बहुत अच्छे से मेरा हेयर कट किए और बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है और काफ़ी टाइम बाद मैंने शॉर्ट हेयर किया। थैंक यू सो मच। आई एम फाइनली होम, मैं घर आ चुकी हूँ, बहुत बारिश है बाहर, जैसे तैसे आए, पापा थे नहीं इसलिए कार में आ नहीं सकी, और फाइनली घर आ गए। और मुझे इन लोग की सर्विस के बारे में कुछ बताना है, लाइक बहुत ही अच्छे स्टाफ मेंबर्स भी बहुत अच्छे और सर्विस तो सच्ची में बहुत अच्छी उनकी। एंड हेयर कट भी काफ़ी टाइम बाद मैंने शॉर्ट हेयर कट ली हूँ, बहुत ही अच्छे से कटिंग की और उनकी परफेक्शन बहुत ही अच्छी थी। और क्या बोलूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो मैं हेयर कलर के बारे में तो सोच रही हूँ, आप लोग मुझे सजेस्ट करो मैं कौन सा हेयर कलर इस बार करवाऊँ, देखूंगी इस बार, सोच रही हूँ, मैं उनको बोल के तो आई हूँ, बट जल्द से जल्द मुझे हेयर कलर भी लेना है, सजेस्ट करो ताकि उसमें से मैं चूज करूँ मुझे कौन सा हेयर कलर मेरे पे सूट होगा और मैं कौन सा इस बार नया ट्राई करूँ। तो यार यही था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको एड्रेस चाहिए, ये वापी में दो सैलून है जावेद हबीब का, एक चला में है और एक यहाँ पे एक रिलायंस के अपोजिट है नियर मोराजी सर्कल। एंड अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो आपको बता दूं कि ये लेयर कट है और इससे काफ़ी वॉल्यूम लगता है हेयर में, अगर आप करना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, लेयर कट में आपको वॉल्यूम भी मिलेगा और लेंथ आप चूज कर सकते हो और आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको हेयर कट मिल जाएंगे। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप वहाँ जाओ अगर आप वापी में हो तो। सो या आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको और कोई चैलेंजेस वगैरह देखने हो, कोई मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह, सो मुझे कमेंट में बताओ मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा करूँ, सजेस्ट करो ताकि मैं और कुछ कर पाऊँ। ऐसे तो मैंने बहुत सोच रखी हूँ, जल्दी आपको वीडियोस भी मिलेंगे बट सजेशन आपकी और मैं वीडियो उसकी रिक्वेस्ट कम्प्लीट करूँगी जल्दी। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन दैट बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफाइड फर्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।